इसलिए इस तरीके से ट्रे बना लिए हैं। इस ट्रे में केमिकल डालेंगे, ये है अपना केमिकल, आयरन पाउडर इसको बोलता है बहुत आदमी, और जो अगर आपको पता होगा तो कमेंट बताइएगा क्या बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे पानी में इस तरीके से घोला हुआ है, ये देख रहे ना, ये देखिए पानी में इस तरीके से यहाँ पे हमने घोल दिया है। जब इसे पानी में डालते हैं ना तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ये तो ठंडा होने के लिए छोड़ा हुआ है। और देखिए कैसे गलाता है लोहा को, ये देखिए अल्मोनियम को कैसे गलाने लगा, दिख रहा आपको हल्का हल्का भाप सा निकल रहा है इसमें से, इसी तरीके से गलाता है। स्टील को, स्टील थोड़ा हार्ड होता है तो टाइम लगता है उसको गलने में। इसे फिलहाल ठंडा होने देते हैं, जैसे यहाँ देखिए पानी में डालेंगे ना, पानी में डालेंगे तो पूरा ये गर्म हो जाता है, तो गर्म गर्म अगर इसमें डाल देंगे तो इसका स्टिकर हट जाएगा तो फिनिशिंग खराब हो जाएगा, तो पानी को ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा हो जाने के बाद में इसमें थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस रहने दो और इस तरीके से इसे ऐसे ऐसे बस बच्चों की तरह ऐसे ऐसे हिलाते रहना है इसको धीरे धीरे, और आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ जहाँ जहाँ स्टील दिख रहा था ना वो काला होने लगेगा, ये देखिए बस इसी तरीके से आपको धीरे धीरे समझिए। तो टाइम पास करना है बैठ करके। अगर आप इस केमिकल को और भी ज्यादा हार्ड करना चाहते हैं और भी जल्दी काम करना चाहते हैं तो एक केमिकल और इसमें मिलाते हैं। इस केमिकल का नाम नहीं लेंगे, कहाँ मिलता है वो भी नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है ये, तो नाम भी हम नहीं लेंगे। तो इस केमिकल को थोड़ा सा यहाँ डालेंगे, देखिए यहाँ डालेंगे और यहाँ पे कितना ज्यादा स्पीड गलाने लगेगा आपको सामने दिखेगा, बंद कर दो, ये देखिए ये देख रहे हैं स्टील कैसे गलने लगा केमिकल डालते के साथ में, ये देखिए बाबरी बाबरी सा आ रहा है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए केमिकल असर करने लगा और यहाँ पे ये गलने लगा, देख रहे ना। तो इस तरीके से ये पूरा भी धीरे 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 इसी तरीके से सिर्फ पानी को कभी उधर करना है, और ये पानी का जब पावर ख़त्म हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो जब ये ग्रीन हो जाए तो ये पानी को फेंक देना है। ये जो काला काला हो गया ना इसको हल्का हल्का धीरे धीरे रगड़ेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा, इसके बाद गलना फिर चालू हो जाएगा। तो काला काला को अगर छोड़ देंगे ना तो गलेगा नहीं अच्छे से। ये अपना केमिकल का काम ख़त्म हो चुका है, और केमिकल से निकाल करके इसको अच्छे तरीके से वाश कर लिए हैं। वाश करने के बाद में अब इसमें सिंपल कलर भरना है, तो रेड कलर है, ब्लू कलर है और ब्लैक कलर है, तो देखते हैं किसमें किसमें क्या कलर भरते हैं। तो ज़्यादा कलर ना यूज़ करते हुए पूरा को हम ब्लैक कर देंगे, और ये जो नाम लिखा हुआ है श्री कुलभूषण डुंगडुंग अपने वार्ड पार्षद साहब का, तो इनका नाम को हम कर देंगे रेड। तो इस नाम को हम सबसे पहले कर देते हैं कवर, इस तरीके से कवर कर देंगे विनाइल से, रेड कलर करना था उसको पैक कर दिए हैं पूरे अच्छी तरीके से। अब ले लेते हैं ब्लैक कलर, ये है ब्लैक कलर, और ये है अपना एनसी थिनर, थोड़ा सा पेंट। तो अपने पार्षद साहब आ गए हैं सामने, और हम लोगों के साथ में हम लोग के नगर निगम के इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। अनुजराज इधर आइए, उधर दिखा दे उनका चेहरा, दिखा दे अनुजराज का श्याम सुंदर का। तो सब है यहीं पे, अब यहाँ पे काम हो रहा है। तो इस तरीके से ब्लैक जहाँ जहाँ ब्लैक करना है ऐसे लगा देंगे थिनर मिलाने के बाद में, और ऐसे करके हटा देंगे। पार्षद साहब दोबारा अपने से मत बना लीजिएगा, दिखा दे रहे आपको, तो ब्लैक रहेगा तो पढ़ाई भी नहीं करेगा, तो सब पढ़ाएगा, सब पढ़ाएगा। आपका नाम को कर दे रहे लाल हाईलाइट, लाल हर्रा कीजिएगा तो कैसे रहेगा ना, हर्रा लाल एकदम हाईलाइट रहेगा, कीजिए ना आपका कलर में अच्छा रहेगा, लाल एकदम हाईलाइट लगेगा, लाल ज्यादा अच्छा लगेगा, हर्रा अच्छा नहीं लगता है, हर्रा से ज्यादा अच्छा लगेगा लाल। तो हम लोग के इंजीनियर साहब से पूछेंगे कि आपका क्या राय है, जैसे कोई स्टील के सामान में लगाया जाएगा इस तरह का प्लेट तो उसमें कौन सा कलर अच्छा लगेगा बताइए इंजीनियर साहब। ये कलर लगेगा डार्क कलर, ब्लू भी अच्छा लगेगा, ब्लू भी पेंट है, हम सोच रहे लाल लगाएंगे, लाल ज्यादा अच्छा लगेगा, लाल भी अच्छा लगेगा। तो ये अपना एक ठो ब्लू, क्या आंख में नहीं चुभेगा, ब्लू एलईडी रहता है तो आंख में चुभता है, अच्छा लाइट जलता है तो इसमें कहां कर दीजिए और घट गया थोड़ा सा, घटिया कलर है नहीं मतलब पेंट घट गया थोड़ा सा, फिर से मिलाएंगे थिनर। ये बहुत ही आसानी काम है लेकिन लोग बहुत
काफी दिनों से लटका लटका के रखते हैं क्या? नहीं लटकाएंगे तो पार्षद जी यहाँ नहीं ना आते। अच्छा, भेंट मुलाकात करना है नहीं बहाने किसी बहाने एक समस्या तो मिला कि हाँ भैया इनका घर के पास भी ढालना है। हाँ, हम लोग गली का रोड तो बना दिए, कैमरा मैन का गली का रोड नहीं बनाया है। अच्छा भाई, आवेदन दे दीजिएगा, आवेदन नहीं दी थी इसीलिए नहीं बना है। तो पार्षद जी का भी ना यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, एक बार इनका देखिए, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इनसे प्यार करते हैं। जितने भी हमारे गली मोहल्ले के लोग हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनसे। देख रहे कितना ईजी है, कोई नहीं डाला है आज तक यूट्यूब में, ये पहला ई वाला बनाने वाला, ये पहला डाल रहे हैं हम यूट्यूब में। नहीं, आप तो बना कर डालते रहते हैं ना। ई प्लेट वाला कोई नहीं डाला है, स्टील प्लेट कैसे बनता है ऐसा, सब अपने बनाने लगेगा ना। हाँ, तो इसीलिए तो अब आपको दिखा भी दिया, इन्हें कि अब रिवर्स अपने बनाइएगा, पेंटर स्टील खरीदिएगा इधर उधर। अब इसको थोड़ा देर सूखने देते हैं, उसके बाद में रेड वाला पेंट भर के दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे जो है ये वाले को स्टिकर हटा लेंगे, श्री कुलभूषण डुंगडुंग का जो नाम लिखा हुआ है, इसका अंदर वाला भी स्टिकर उखड़ जा रहा, साथ में धीरे धीरे उखाड़ना होगा। तो इसका स्टिकर को अब हटाएंगे धीरे धीरे, देखते अभी पेंट लग रहा सही से नहीं सूखा है। ये देखिए, ये इस तरीके से हटते चला जाएगा, लेकिन पेंट हमको लग रहा है और इसको सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल कुछ इसी तरीके से आपको ये स्टिकर को हटाना है और हटाएंगे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वक्त अभी मेरे पास में कम है, इसको हम हटा करके अब आगे अपने पार्सल साहब आए हुए थे उनको दे देते हैं। इसको अभी एक घंटा कम से कम और धूप में छोड़ना होगा, उसके बाद में हम इसको दे देंगे कंप्लीट करके, सिर्फ कटिंग करना है। बाकी आपको पूरा मेन प्रोसेस तो आपको दिखाई दिए कैसे होता है। धूप में इसको छोड़ देंगे, विनाइल हटाएंगे, अच्छी तरीके से हटने लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कहाँ देख रहे कमेंट, उतने वीडियो साथ में, जब तक के लिए टेक केयर।